सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को कुछ इस टाइप का प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, जो आप देख ही सकते हैं हम लोग का फोटो कितना कमाल का, कितना धासू दिख रहा है। मैं आप लोग को बिफोर एंड आफ्टर वाला फोटो दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं बिफोर में हम लोग का फोटो कुछ इस प्रकार से था, एंड आफ्टर में हम लोग का फोटो कुछ इस प्रकार से है, जो आप देख सकते हैं हम लोग का फोटो कितना रियलिस्टिक दिख रहा है। सो गाइज, आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिए, तभी आप भी हमारे जैसे प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग करना सीख पाइएगा। तो चलिएगा, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो गाइज, सबसे पहले आप लोग को अपने गैलरी को ओपन करना है, एंड ओपन होने के बाद आप लोग जिस फोटो को एडिटिंग करना चाहते हैं उसी फोटो को आप लोग को ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है। इस ऐप का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज, मैं उसी फोटो को ओपन कर लेता हूँ ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में, जिस फोटो को आप लोग थंबनेल में देखे हैं। सो गाइज, मैं ओपन कर लेता हूँ, एंड ओपन होने के बाद अब हम लोग एक लेयर बनाएंगे। सो गाइज, लेयर बनाने के लिए हम लोग इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, एंड क्लिक करने के बाद आप लोग ये प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं हम लोग का एक लेयर बन चुका है। अब हम लोग इसी लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से नॉर्मल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप लोग को सॉफ्ट लाइट पे क्लिक कर देना है। अब हम लोग इधर से बैक आएंगे, एंड बैक आने के बाद आप लोग को मिक्स टूल पे क्लिक करना है इस वाला आइकन पे, एंड क्लिक करने के बाद आप लोग को कुछ इस प्रकार से सेटिंग को रख लेना है, जो मैं पहले से ही रख लिया हूँ। एज को आप लोग को रखना है 31, एंड एस को रखना है 75, एंड एल को रखना है 54। आप लोग को कुछ इस प्रकार से सेटिंग को रख लेना है, जो मैं पहले से ही रख लिया हूँ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सो गाइज, अब हम लोग इधर से बैक आएंगे, एंड बैक आने के बाद अब आप लोग को इस वाला आइकन पे क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद हम लोग थोड़ा सा ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग को ये सभी ब्रश दिख रहा होगा, ट्रेडिशनल ब्रश। आप लोग को इन सभी ब्रशों में से हम लोग मीडियम ब्रश को सिलेक्ट करेंगे। इसका सेटिंग देख लेते हैं। इसका सेटिंग को आप लोग कुछ इस प्रकार से रखना है, ऑपेसिटी को 100 रखना है, एंड साइज को अपने हिसाब से रख लीजिएगा। सो गाइज, मैं साइज को अपने हिसाब से रख लेता हूँ। अब हम लोग इधर से बैक आएंगे, एंड बैक आने के बाद अब आप लोग को ऐसे फेस को जूम करना है, एंड जूम करने के बाद आप लोग को फेस पे कुछ इस प्रकार से ब्रश को अप्लाई कर देना है, जैसे कि मैं इस ब्रश को चला रहा हूँ। सो गाइज, आप लोग भी कुछ इसी प्रकार से सेम टू सेम इस ब्रश को चलाना है। आप देख सकते हैं मैं कितने अच्छे तरीके से फेस पे ब्रश को चला रहा हूँ। सो गाइज, आप लोग को भी कुछ इसी प्रकार से सेम टू सेम आप लोग को फेस पे कुछ इस प्रकार से ब्रश को चलाना है। सो गाइज, आप लोग को इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिए। सो गाइज, अगर आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देख लेते हैं ना, तो आप भी हमारे जैसे फोटो एडिटिंग करना सीख लीजिएगा। इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को स्टेप बाय स्टेप फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, बहुत ही कमाल का। सो गाइज, आप लोग इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए बस। तो चलिए गाइज, मैं थोड़ा सा फास्ट ब्रश को चला लेता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो पाए। सो गाइज, मैंने फेस पे बहुत ही अच्छे तरीके से इस ब्रश को अप्लाई कर दिया हूँ, मतलब फेस पे अच्छे तरीके से ब्रश को चला दिया हूँ, आप देख ही सकते हैं। अब हम लोग फिर से ये लेयर के आइकन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से सॉफ्ट लाइट लेयर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप लोग को एडजस्टमेंट पे क्लिक कर देना है। सो गाइज, मैं क्लिक कर लेता हूँ, एंड क्लिक करने के बाद इसका ह्यू को एडजस्ट करेंगे। सो गाइज, इसका ह्यू को मैं रख लिया +8, एंड इसका सिचुएशन को भी एडजस्ट करेंगे। सो गाइज, इसका सिचुएशन को भी एडजस्ट कर लेता हूँ, तो इसको मैं रख लिया -45, एंड इसका लाइट को भी एडजस्ट करेंगे। सो गाइज, इसका लाइट को एडजस्ट कर लेते हैं, तो इसको मैं रख लिया +23, एंड आप लोग को ऐसा एडजस्ट करने के बाद अब आप लोग को ये डन वाला आइकन पे क्लिक कर देना है। सो गाइज, मैं ये डन वाला आइकन पे क्लिक कर देता हूँ, एंड क्लिक करने के बाद फिर से हम लोग ये लेयर के आइकन पे क्लिक करेंगे, एंड क्लिक करने के बाद सॉफ्ट लाइट लेयर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप लोग को ऑपेसिटी को अपने हिसाब से रख लेना है। सो गाइज, मैं ऑपेसिटी को अपने हिसाब से रख लेता हूँ, तो इसको मैं रख लिया 67, एंड अब आप लोग ये मर्ज वाला आइकन पे क्लिक करके मर्ज कर लेना है। सो गाइज, मैं मर्ज वाला आइकन पे क्लिक करके मर्ज कर लेता हूँ, एंड मर्ज करने के बाद आप लोग को इस वाला आइकन पे क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद आप लोग को लाइब्रेरी पे क्लिक करना है। एंड अब हम लोग ऊपर की ओर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग को ये सभी ब्रश दिख रहा होगा, स्मज ब्रश। इन सभी ब्रशों में से हम लोग इस ब्रश को सिलेक्ट करेंगे, एंड सिलेक्ट करने के बाद इसका सेटिंग देख लेते हैं। तो सेटिंग पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से स्मज वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, इस वाला आइकन पे, और यहाँ से आप लोग को स्मज को सिलेक्ट कर लेना है, जो मैं पहले से ही सिलेक्ट कर लिया हूँ। एंड सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को इधर से बैक आना है, एंड बैक आने के बाद आप लोग को कुछ इस प्रकार से सेटिंग को रख लेना है, जो मैं पहले से ही रख लिया हूँ। स्ट्रेंथ को मैं रख लिया हूँ 8, एंड फॉलो को 5, एंड साइज को अपने हिसाब से रख लीजिएगा। सो गाइज, मैं साइज को अपने हिसाब से रख लेता हूँ। सो गाइज, मैं साइज को रख लेता हूँ 23.2, एंड इतना रखने के बाद अब हम लोग इधर से बैक आएंगे,
एंड बैक आने के बाद अब हम लोग ऐसे फेस को जूम करेंगे एंड जूम करने के बाद आप लोग को ऐसे गोल गोल करके फेस को स्मूथ करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैं कितने अच्छे तरीके से गोल गोल करके फेस को स्मूथ कर रहा हूँ। आप लोग को भी कुछ इसी प्रकार से सेम टू सेम गोल गोल करके फेस को स्मूथ करना है। सो गाइस आप देख सकते हैं हम लोग का फेस कितना अच्छे से एंड कितना कमाल का स्मूथ हो रहा है। आप लोग को भी कुछ इसी प्रकार से स्मूथ करना है। आप लोग को हल्के हाथ से स्मूथ करना है, आप लोग को तेजी में स्मूथ नहीं करना है। आप लोग को हल्के हाथ से आराम आराम से आप लोग को फेस को स्मूथ करना है। आप लोग को फेस स्मूथ तेजी में नहीं करना है। आप लोग फेस को स्मूथ तेजी में कीजिएगा ना तो आप लोग का फेस स्मूथ अच्छे से नहीं हो पाएगा हमारे जैसा। आप देख सकते हैं मैं कितने अच्छे तरीके से आराम आराम से हल्के हाथ से कितने अच्छे तरीके से फेस स्मूथ कर रहा हूँ। सो गाइस आप लोग को भी कुछ इसी प्रकार से अच्छे तरीके से फेस को स्मूथ करना है। सो गाइस अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ यार इस वीडियो कर दीजिए लाइक एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी कर देना सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर देना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो गाइस मैं थोड़ा सा फास्ट स्मूथ कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा ना हो पाए। सो गाइज आप देख सकते हैं मैंने फेस को कितने अच्छे तरीके से स्मूथ कर दिया हूँ। अब हम लोग इस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग को इस ब्रश को सिलेक्ट करना है। इस ब्रश को एंड सिलेक्ट करने के बाद इसका सेटिंग देख लेते हैं। आप लोग को सेटिंग को कुछ इस प्रकार से रखना है जो मैं पहले से ही रख लिया हूँ। स्ट्रेंथ को रखना है आप लोग को 17 एंड फॉलो को 8 एंड साइज को अपने हिसाब से रख लीजिएगा। सो गाइस मैं साइज को रख लिया हूँ 9.3। अब हम लोग जैसे बैक आएंगे एंड बैक आने के बाद आप लोग को हेयर को एडिटिंग करना है। सो गाइस जैसे जैसे मैं हेयर को एडिटिंग करूंगा आप लोग को भी वैसा ही सेम टू सेम ही हेयर को एडिटिंग करना है। सो गाइस आप देख सकते हैं मैं हेयर को एडिटिंग कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं हम लोग का हेयर एडिट कितना अच्छे से हो रहा है। आप लोग को भी कुछ इस प्रकार से हेयर को एडिट करना है जो आप देख सकते हैं हम लोग का हेयर एडिटिंग कितने अच्छे से हो रहा है। सो गाइज आप लोग इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देख लेते हैं ना तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ आप लोग हमारे जैसे फोटो एडिटिंग करना सीख लीजिएगा। सो गाइज आप लोग इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा। तो चलिए गाइज मैं थोड़ा सा फास्ट एडिटिंग कर लेता हूँ हेयर को ताकि वीडियो लंबा ना हो पाए। सो गाइज आप देख सकते हैं मैंने हेयर को अच्छे तरीके से एडिटिंग कर दिया हूँ। आप देख सकते हैं हम लोग का फेस स्मूथ भी हो गया अच्छे तरीके से एंड हेयर भी अच्छे तरीके से एडिटिंग हो गया। अभी हम लोग का फाइनली फोटो एडिटिंग नहीं हुआ है। अब हम लोग इस फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन कर लेंगे जहाँ हम लोग का फाइनली फोटो एडिटिंग हो जाएगा। तो चलिए गाइज हम लोग इस फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन कर लेते हैं। सो गाइज मैंने इस फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन कर लिया हूँ। इस ऐप का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग ये कलर के आइकन पे क्लिक करेंगे इस वाला आइकन पे एंड क्लिक करने के बाद मिक्स टूल पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद रेड कलर का सिचुएशन थोड़ा सा प्लस की ओर बढ़ाएंगे तो इसको बढ़ा लेते हैं। तो इसको मैं रख लिया +20 एंड अब हम लोग ये ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करेंगे एंड सिलेक्ट करने के बाद इसका सिचुएशन माइनस की ओर लेकर चलेंगे तो इसका सिचुएशन को मैं रख लिया -27 एंड इसका लुमिनेंस को प्लस की ओर बढ़ा देंगे तो इसका लुमिनेंस को मैं रख लिया +40 एंड अब हम लोग ये येलो कलर को सिलेक्ट करेंगे एंड सिलेक्ट करने के बाद इसका सिचुएशन माइनस की ओर लेकर चलेंगे तो इसको मैं रख लेता हूँ -100 एंड इसका लुमिनेंस को भी माइनस की ओर लेकर चलेंगे तो इसका लुमिनेंस को भी माइनस की ओर लेकर चलते हैं तो इसको मैं रख लिया -19 एंड अब हम लोग ये ग्रीन कलर को भी सिलेक्ट करेंगे एंड सिलेक्ट करने के बाद इसका सिचुएशन -97 रखेंगे एंड इसका लुमिनेंस को भी माइनस की ओर लेकर चलेंगे तो इसका लुमिनेंस को माइनस की लेकर चलते हैं तो इसको रख लेते हैं -25 एंड अब आप लोग को सियान कलर को भी सिलेक्ट करना है एंड सिलेक्ट करने के बाद इसका भी सिचुएशन माइनस की ओर लेकर चलेंगे तो इसको रख लेते हैं -66 एंड अब हम लोग ब्लू कलर को सिलेक्ट करेंगे इसका सिचुएशन प्लस की ओर बढ़ा देंगे तो इसको रख लेते हैं +75 एंड अब आप लोग को डन वाला आइकन पे क्लिक कर देना है एंड क्लिक करने के बाद अब आप लोग को करना क्या है अब आप लोग को ये इफेक्ट वाला आइकन पे क्लिक करना है
एंड क्लिक करने के बाद इसका विगनेट को माइनस की ओर लेके चलेंगे। सो गाइज इसका विगनेट को हम लोग रख लेते हैं -64 एंड इतना रखने के बाद अब हम लोग ये शेयर वाला आइकन पे क्लिक करके फोटो कर लेंगे सेव। सो गाइज अब हम लोग का फाइनली फोटो एडिटिंग हो गया है। आप देख सकते हैं हम लोग का फोटो कितना कमाल एंड कितना धासू एंड कितना ऑसम दिख रहा है, आप देख ही सकते हैं। सो गाइज मैं आप लोग को बिफोर एंड आफ्टर वाला फोटो दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं बिफोर में हम लोग का फोटो कुछ इस प्रकार से था एंड आफ्टर में हम लोग का फोटो कुछ इस प्रकार से है, जो कितना कमाल एंड कितना धासू एंड कितना प्रोफेशनल दिख रहा है। सो गाइज अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज यार इस वीडियो कर दीजिए लाइक एंड एक यार से कमेंट करना आप लोग को ये एडिटिंग कैसी लगी। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।